بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تُعسر وتمم بالخير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج علم وحكمة ما أجب ما شاء الله हम हाज़िर हैं और आज के प्रोग्राम इल्म और हिकमत में ख़ास तौर पर हमें ये शर्फ़ हासिल है कि इस प्रोग्राम में पिछले मंगल की तरफ़ माशा आज भी मंगल ही मंगल नज़र आ रहा है और पिछले मंगल को भी जंगल मंगल। हाँ जंगल में मंगल है और पिछले मंगल को भी एक आज़ाद तखलस रखने वाली हस्ती मौजूद थी और आज भी आज़ाद तखलस रखने वाली हस्ती मौजूद हैं लेकिन माशाला आज जो हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं मेरे लिए इस प्रोग्राम के लिए और इस वक्त के लिए आ मैं समझता हूँ कि हमारे बाई से शर्फ है इज़्ज़त है कि हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं हज़रत माना सैयद महमद अब्दुल्खबीर आज़ाद साहब इमाम खतीब खतीब और इमाम बादशाह लाहौर बादशाह मस्जिद तो आप सब उनसे वाकिफ हैं आप इमाम हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल अब्दुल्दिर आज़ाद रहा आल के साहबजाद ग्रामी हैं और इस वक्त पाकिस्तान में कौमी सतह पर जो चंद्रामा कराम पूरी मिल्लत के लिए ग्रा कदर खदम सर अंजाम दे रहे हैं और कौमी सतह पर जिनकी खिदम को पजीराई हासिल होती है ऐसे हजरात में हजरत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ख़तीब बादशाह मस्जिद लाहौर का इसमें ग्रामी सर फहरस्त हैं आ, उम्मत में यकजहती के लिए उम्मत में मोहब्बतों को फरोग देने के लिए और मिली मसाइल और कौमी मसाइल के हवाले से माशाला हज़रत माना सैद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की खिदमत मैं समझता हूँ कि हमारी तारीफ से बुलंदबाला हैं और हम जितनी भी उसकी तारीफ़ करें वाकई कम है और ऐसी हस्तियों का वजूद उम्मत के लिए रहमत हुआ करते, करता है माशाल्लाह तो मैं हजरत माना सैद खबीर आज़ाद साहब को, को खुश आमद कहूँगा और आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहूँगा अल्लाम आलिकम वह ला वालेकाम वर्क माशा हज़रत आपकी तश्रफ़ आवरी से चार चाँद लग गए इस प्रोग्राम को भी टी वी चैनल को भी और मेरे लिए और भी खुशी की बात है कि हजरत इमाम कासिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं इमाम साहब को भी मैं खुश आमदेद कहता हूँ और आज मैं इन शस्से में बात सुनूँ बड़ी आजमाइश में हूँ दरमियान में और इन दोनों हजरात का रब ऐसा है कि मेरी ज़ुबान भी जुबान पर भी ऐसा लगता है कि एक बोझ महसूस हो रहा है और ज़ुबान चलती नहीं है ऐसे बुज़ुर्गों की मौजूदगी में अल्लाह ताला बस इस्ते की तोफ़िक हमें अता फ़रमाएँ और आपको भी यकीन फ़ायदा पहुँचेगा आज के प्रोग्राम से अगर इमाम साहब इजाज़त दें आप अगर कुछ शुरू में कहना चाहें तो आप कुछ मुफ्ती साहब फरमाए थे कि फरमा रॉब ऐसा है कि जबान नहीं चलती तो जबान न चलने के बावजूद इतना बोलने का माशा सिलसिला है तो फिर अगर न चलती होती तो फिर क्या सूरत हाल होती बहरहाल अलहमद ये खुशकस्मती है कि आपके सामने हम आज एक अहम मौजू के ऊपर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आज का उनवान उसका तारुफ़ इनशा मुफ्ती साहब अभी थोड़ी देर में कराएँगे जिसका तल्लु पूरे बरतानिया के मुसलमान और दीगर मजाहब के लोगों को आपस में लेकर के चलने की कोशिश करना है इनशा माशा हजमाब्दुल्खबीर आज़ाद साहब नाम के आज़ाद हैं आज यहाँ पर मुक्द हैं अलहदिल्ला तो माशा इनकी मईत में आज के इस प्रोग्राम को हम आगे चलाने की कोशिश करेंगे अल्लाह सुबह महमत ज़ायतः फरमाए तो माशा हजरत अब्दुल्खबीर आज़ाद साहब जो है जो कि फ़र्जंद रशीद हैं माशा मब्दुल्क़िर आज़ाद साहब के आ, जो बादशाही मस्जिद लाहौर के इमाम थे और उनके बाद इन्होंने जो है माशा उस मसंद को संभाला और वहाँ के फ़रज़ मन को अंजाम दे रहे हैं बादशाह मस्जिद का तारफ़ हमने पिछले हफ़्ते प्रोग्राम में किया था ग़ालिबा मंडे के दिन जो कुरान का प्रोग्राम हुआ था उसके आखिरी सेगमेंट में लाहौर बादशाह मस्जिद का तारफ़ हुआ था और उसमें दो बातें सामने आई थी एक ये कि वहाँ पर माशा बेशुमार तब्रक मौजूद हैं तब्रक में से मतलब से मुतक मतलब वो चीज़ें जिसकी नस्बत आ हज़ूर सल्ला व्म के साथ है मुसल मतलब हज़ूर सल्ला वसल्लम का अमाम मुबारक और इस तरीक़े की मशा अशिया फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि सैदना आली रदी अल्लाह तदना सैदना फ़ातिमत ज़हरा रदी अल्लाह तह फिर सैदना इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तुम इन हजरत की भी अशिया वहाँ पर मौजूद हैं दूसरी बात ये सामने आई थी कि इकरा के नाज़रीन जितने भी हों जब भी इन आपका पाकिस्तान जाना हो तो लाहौर बादशाही मस्जिद ज़रूर जाएँ और वहाँ जाकर इन नवादिरात का जो है इनशाला देखने का शर्फ हासिल करें और साथ में जो है इमाम साहब से भी मुलाकात करें अरा के हवाले से चाहे आप हम आप हजरा एक दूसरे को बिलमुशाफहा या नाम के साथ जानते हों या ना जानते हों लेकिन ये कि ये लिंक कि भाई आप इकरा के नाज्रीन हैं अल अलैर फैमिली का हिस्सा हैं ये लिंक ही बहुत पावरफुल रहेगा वो इसलिए कि माशा हजर इमाम साहब जो है अल अलखैर पाकिस्तान की क़ियादत साल साल से यही करते आ रहे हैं तो वो उसी फैमिली का हिस्सा है इनशा आपको ये इनशा वहाँ वेलकम करेंगे और इनशाला जो भी मजीद आपकी खिदमत हो सकेगी वो करने की कोशिश करेंगे इन माशा ख़ास तौर से जुमे के बाद आपकी बिरयानी की, की लजत माशा वो अगर मैं दावत ही दे दूँ ऐसा ना हो जाए कि वहाँ हजूम ना लग जाए दे दे लेकिन माशा ये तो बहुत पुरानी रवायत आपकी चली आ रही है माशा बहुत दावत न दे दूँ करके भी दावत दे दीजिए जी जी बिल्कुल माशा तबूल फरमाएँ मैं नाजरन की खिदमत में प्रोग्राम और के लिए मैं ये बाश्ज़्ज़्ज़्स ये बात समझता हूँ कि आज इस एक अहम मौजू पर हज़रत माना सैद महम्मद अब्दुल्क़बीर आज़ाद साहब से हम बात करेंगे ये इनका अख्तसासी मौजू अगर मैं कहूँ तो ये बात बेजाना होगी क्योंकि कुछ वम कराम वो होते हैं कि उनकी खिदमत एक महल तक महदूद रहती है एक ख़ास इलाके तक महदूद रहती है शहर तक बात महदूद रहती है लेकिन कुछ आला, कराम की पहुँच ये इकतदार के महलत में जो लोग मकीिन हैं उन तक जिनकी रसाई रहती है और मकतदर हलकों तक जिनकी बात पहुँचती है जिनकी बात सुनी जाती है और जिनकी मुलाकातों का सिलसिला हमेशा रहता है तो ये उन हजरात में से हैं। कि हर वक्त माशा मख्तर हल्के से उनकी गुफ्त शुनीद रहती है आ, मुलाकातें रहती हैं लिहाजा आपको जो काम आपने करना होता है वो काम कौमी सतह का होता है मिल सतह का होता है और उसके असर पूरी कौम और मुल्क और मिल्लत के लिए हावी बल्कि अगर ये मैं कहूँ कि बैन अवी सतह पर आ, कुछ अच्छे और मस्बत काम करने का मौका जिनको मिला हुआ है अल्लाह ताली की तरफ से उनमें हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल ख़बीर आज़ाद साहब का नाम नामी सर फहरस्त हैं मैं आपको यानी बहुत सारे इशूज़ हैं इस वक्त इस वक्त जो है आलम इस्लाम को जितने ज़्यादा मसाइल का सामना है सुलगते हुए मसाइल हैं परेशान कन मसाइल हैं और इंतहाई गंभीर हालात का सामना है वो कभी भी माजी में ऐसे गंभीर हालात कभी पेश नहीं आए थे और पे दर पे ऐसे हमले हमलों की ज़द में उम्मत मुसलिमा कभी नहीं रही जितनी उम्मत मुसलिम की हालत ज़ार इस वक्त है दुनिया में इतने ज़्यादा मसाइल का सामना कभी नहीं हुआ था हालांकि हकीकत यह है कि इस वक्त मुसलमान माजी के तमाम हर दौर के मुकाबले में तादाद के अतबार से अगर देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है इतने तकरीब अट्ठावन या साठ ममालिकसे हैं जिनका इकतदार मुसलमानों के हाथ में है और फिर जिस चीज़ को आ, सयाल सोना या बहता हुआ सोना कहा जाता है लिक्विड सोना जिसको कहा जाता है यानी पेट्रोल के जो आ, पेट्रोल पर मुसलमानों को तकरीबन इजारादारी हासिल है जिसके बग़ैर दुनिया रुक जाए कि दुनिया चल नहीं सकती तो इतने सारे वसाइल फिर महल महल वकूल के अतबार से देखा जाए तो पूरा आलम इस्लाम का महल वक़ू दुनिया के लिए काबिल रश्क है बिल्कुल दुनिया के बीचों बीच ये सारे ममालिक वाक़ हैं मौसम के अतबार से महलूक के अतबार से हर लिहाज से सारे मुस्लिम ममालिक मशरक से लेकर मगरब तक एक लड़ी में पैरोए हुए हैं लेकिन अगर हमारा जवाल किसी वजह से है तो एक तो दीन से दूरी ईमान और आमल साल से दूरी ये बात तो नुमाया है लेकिन उसी के साथ साथ एक अहम बात यह है कि इतिहाद बीन की कमी है उसमें इतिहाद बहीजाहब भी हैं इतिहाद बीन अमसालिक भी हैं और इतिहाद बहीसलिम की बेशुमार सूरतें और शक्लें हैं इस पर काम करने का जिनको अल्लाह ताली ने मौका दिया हैज़रत मौना सैद अब्दुल्खबीर आज़ाद साहब उनमें नुमाया मकाम रखते हैं मैं आपसे ये कहूँगा कि मुख्तलिफ मजाहब के, के दरमियान अमन के हवाले से सबसे पहले जो है आपका पैगाम हमारे लिए क्या होगा जब पाकिस्तान के मौजूदा हालात और वहाँ के सुलगते हुए मसाइल पर इन शाला आपसे बात होगी रहमान रहीम सबसे पहले तो मैं आपका और जनाब अपने भाई और ब्रदर जनाब इमाम कासिम रशीद साहब का और इकरा टेलीविज़न का और खैर की और इकरा की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं हूँ कि आज क्योंकि मैं यूके के सफ़र पर हूँ और uh, मेरी मेज़बानी के फ़रज़ भी अल्लाह ने इमाम कासिम रशीद साहब को दिए हैं तो उनकी जो ख़ूबसूरत गुफ्तु होती है उसके जवाब तो मेरा दिल चाहता है दिया जाए मगर ये है कि आज हम बड़े एक अज़ीम के लिए यहाँ पर बैठे हैं आ, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज इमाम कासिम साहब पूरी दुनिया में एक इंसानियत की ख़दमत के लिए जो काम कर रहे हैं और जो ख़दत इंसानियत कर रहे हैं मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और क्या होगा और लोगों की तरफ़ से मिलने वाले तमाम वो तियात, वो तियात, वो तियात वो सदकात और वो इस तमाम चीज़ें के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं दुनिया तक चाहे वो अफ्रीका हो चाहे वो एशिया हो चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो और बिलखसूस मैं पाकिस्तान की यहाँ पर बात करना चाहूँगा अपने मौजू के ऊपर आने से पहले कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मसला हुआ चाहे वो अर्थ हो चाहे वो जलजिला हो चाहे वो सलाब हो तो उसके अंदर अगर हमें बहुत सी लोग आए और अल्लाह ताला उन सबको जज़ाय ख़ैरत फ़रमाए मगर आए और चले गए मगर जो बंदा वहाँ खड़ा रहा और जो बंदा वहाँ रहा और उसकी पूरी तंजीम और उनका जो काम है वो अल खैर की सूरत में इमाम कासिम रशीद की शक्ल में हमें नज़र आया अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे जैसे इमाम साहब ने फरमाया कि मौका मिला कि मैं इसकी सरप्रस्ती करूं और मैंने ये देखा कि आ, कितने सैकड़ों हज़ारों फ़ैमलीज़ ऐसी हैं जिनके लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है फिर मुल्क के बेशतर इलाके जो कि गरीब हैं उनके अंदर हैंड पंप्स दिए गए अच्छा फिर वहाँ पर मसाजिद को बनाया गया और इसी तरह जे फूड पैकेज जिस हैं अफतार प्रोग्राम हैं तो कोई ऐसी जगह या चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें अल खैर अपना हिस्सा वहाँ पर नहीं डाल तो मैं सबसे पहले तो इनकी उन खिदमत पर आ, इमाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी पूरी इस टीम का जनाब यूसुफ साहब और तमाम टीम का और आपका सब का कि इतना बड़ा काम जो है पाकिस्तान में हुआ अल्लाह तबारक व अजर तो रब ने देना है और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया इकरा टेलीविज़न की वसादत से करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मदद की चाहे वो पाकिस्तान की की चाहे वो अफ्रीका के ग़रीब लोगों की की, और मैं रमजान रमज़ानमबारक में देख रहा था कि फ़लस्तीन में आ, शैलिंग हो रही थी बल्कि गोलियां चल रही थी और वहाँ पर मैं मेरा रबता उनके साथ नहीं हो रहा था तो मैं कहने वाला था कि माम साहब आप कहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं मगर ये शख्स जो है आ, मतलब कि अपनी हर चीज़ को छोड़ कर लोगों की खिदमत के लिए अपने आप अपनी जान को भी अतीली पर रख कर निकल जैसे शाम में पिछली दफ़ा हमने देखा इनको तो मैं इनकी खिदमत का ज़िक्र करे बग़ैर रह नहीं सकता था मैं समझता था कि ये बात करना आ, नाजरीन के लिए और जो व्यूज़ व्यूअर हैं इकरा टेलीविज़न के जो कि लाखों की तादाद में हैं जो कि आज हमारी इस बात को सुन रहे हैं तो मैं उन सब को ये बात बता रहा हूँ और उन सब के लिए दुआ गो हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ला बादशी मस्जिद के प्लेटफारम से और वो लोग जिनके लिए ये मदद जा रही है उन लोगों की दुआओं में आप सबका तस्करा वहाँ पर मौजूद होता है अल्लाह ताला इसे कबूल और मकबूल और मंजूर फराम दूसरी जो बात है जो कि हम हमारा आज का इल्मिकमत काब्दुल साहब मौलाना ने जो आज मौजू रखा है ये बड़ा एक अजीम मौजू है और यकीन आज पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान नहीं बंग्लादेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस मौजू की ज़रूरत है और तमाम मजाहब के दरमियान आज हम आहगी का जो फुकदान है उसको ख़त्म करने के लिए इस मौजू की ज़रूरत है मुझे बड़ा फख्र से ये बात कहनी और खुशी के साथ करनी आ, मैं इसमें खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे वालिद हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल कादर आज़ाद जिनको अल्लाह ने सफीर अमन और फिर आ, मलुक इमाम व सलातिन जैसे हज़रत इमाम साहब ने फरमाया आ, ये लकब क्यों मिला क्योंकि सलातीन के इमाम सेवेंटी uh, फोर में जब वहाँ पर इमामत का वक्त आया जनाब जुल्फकारी भुट्टो शहीद के दौर में तो शाह फैसल भी वहाँ मौजूद थे मामर कजाफी भी थे सद्दाम हुसैन भी थे इदी अमीन भी थे यासर अरफ़ात भी थे ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे तो अब ओ आई सी का जो पहला वहाँ पर इजलास हुआ इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी समझ जो वहाँ पर पाकिस्तान में और लाहौर में लाहौर ने उसकी मेहमान नवाजी की थी तो हमारे वालिद को शाह फैसल ने खुद पकड़ कर क्योंकि हमारे वालिद ने दावत दी शाह फैसल शहीद को कि आप मलिक फैसल को कि आप आगे हैं तो उन्होंने पकड़ कर नहीं उन्होंने कहा कि आज यहाँ का इमाम हमारे आगे खड़ा होगा और हम सब पीछे उनके खड़े होकर नमाज़ को अदा करेंगे मुख्ती बनेंगे मुखती बनेंगे तो फिर ये जो है मामो वल मलूक का जो खिताब है वो हज़रत मौलाना कादिर आज़ाद को मिला तो वो ऐसी शख्सियत थी कि उन्होंने हमें यह मिशन दिया है और उन्होंने पचास साल पहले इसकी बुनियाद जो है पाकिस्तान के अंदर रखी कि इंट्राफे और इंटरफेथ जिसको आप इतिहाद बैनमसलम कहते हैं जैसे कि मसालिक के दरमियान हम आँगी और मजाहब के दरमियान हम आंगी, आंगी। मतलब कि इसकी अशद ज़रूरत थी और मैंने कहा ना कि इसकी ज़रूरत सिर्फ़ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है तो फिर उस पर काम शुरू हुआ और अल्लाह का ये शिक्र है कि पाकिस्तान में रहने और बसने वाले जो लोग हैं चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो क्रिश्चन हैं चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो सिख हैं मतलब तो कि यूनिटी के साथ रहते हैं कभी थे मसाइल और जब इस पर मेहनत की गई जब इस पर काम किया गया जिस जब इस पर आ, बात की गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत का ये असर हुआ कि वो जो दूरियाँ थी वो गुरबत में बदल गई अब देखें ना कुरान मजीद फुरान हमीद और मेरे मेरे आ, मेरे और आपके रब और इज्जत का फरमान है कि वसीम बबल जमीअ वला तफरको कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रक़ात में मत मत बटो तो आ, इसी की ज़रूरत थी कि इसको हम अपना मिस्ताक बनाएं आ, और इसको सही मानों में अपने अंदर उतारें ये क्या है कोई यहाँ से बात कर रहा है कोई वहाँ से बात कर रहा है कोई यहाँ से कर रहा है कोई किसी के ऊपर फतवे लगा रहा है कोई किसी को कुछ कर रहा है तो मकसद ये था कि नहीं इस्लाम एक अमन पसंद दीन है दीन इस्लाम और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूल नबी रहमत बन कर आए हैं जिस तरह कि आपने आयत पढ़ी कि वमा और सल्ला काम आलमिन कि आप सारे जहानों के लिए आपको रहमत बना कर भेजा गया तो जब हमारे नबी रहमत बना कर भेजे गए हैं तो हमें किसी के लिए जहमत क्यों बनना है तो इसलिए इन तमाम चीज़ों में से इंसानियत को कैसे निकाला जाए तो उसका असूल उसका जाबता उसकी तमाम चीज़ें हमें अपने दीन हमें अपने क़ुरान हमें अपने इस्लाम से मिलती हैं और फिर आपको पता है मुख्तलफ़ मसाइल पैदा हुए लड़ाइयाँ हुई और बहुत सी चीज़ें हुई फिर उसमें इबादत जो इबादगाहें थीं उनको आग लगाई गई ये तो फिर कोशिश की गई कि अब इसके ऊपर जो है काम होना चाहिए तो वो फिर काम ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रंजिशें थीं वो जो नफ़रतें थीं वो मोहब्बतों में बदल गईं और वो बत में बदल गईं और फिर हमने इस पर काम को शुरू किया आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह में मेरी अपनी ज़िंदगी के जो पच्चीस साल हैं वो इसी एक्टिविटीज़ में और इसी मिशन में और इसी काम में गुजरें चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो अभी भी मैं जब यूके में यहाँ आया हूँ अब मैं हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी पच्चीस साल आपके वारिस साहब का लंबा मिशन रहा तो मेरे ख़्याल में कोई निसफ़ सदी पर ये जो काम है हाँ ये सदी पर मुहित है, है। तो पचास साल खदमात के बाद जो है आप क्या महसूस करते हैं वो, मैं ये महसूस करता हूँ मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस काम के करने से सेबें बढ़ी हैं और नफरतें कम हुई हैं और ये नहीं कि सिर्फ फिर ये काम सिर्फ मौलाना अब्दुल अब्दुल्कर आज़ाद रमतल लेकर रह गया या ये काम अब्दुल खबीर आज़ाद नहीं बल्कि इसमें फिर वो एक तनावल दरख्त बनाए मतलब कि इसमें लोग आते गए और आज मैं समझता हूँ कि ये ऐसा तनावल दरफ़ बन चुका है कि इसका साया दूर दूर तक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और यह हमारा मिशन बन चुका है मैंने दुनिया भर में एम्बेसडर ऑफ पीस के भी मैंने अवार्ड हासिल किए हैं और दुनिया भर से मुझे अभी हम मैड्रिड के अंदर थे उधर हमने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उसके अंदर हमने आ, जो है अपना जो नुक़ः नज़र है उसको पेश किया तो आज दुनिया मौलाना एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और दूरी के जो रास्ते हैं वो कुर्बत में बदल चुके हैं तो हम एक दूसरे के दिल क्यों नहीं कुर्बत में बदल सकते तो मैं समझता हूँ कि इसकी आज अशद ज़रूरत है आज इल्म और हिकमत के इस प्रोग्राम से मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ़ हम इस पर नहीं चाह इसी पर नहीं खड़े हम चाहते हैं कि हर जगह से हर सतह पर इस काम को किया जाए और हर घर से जो है मोहब्बतें और उल्फतें जो हैं उनको पैदा किया अभी मैं एक आपको ये पाकिस्तान का एक अजीम नैरेटिव और एक अजीम बयानिया अपने जो इकरा टेलीविज़न के व्यूज़ हैं जो हज़ारों लाखों में हैं उनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पैगाम पाक पैगाम पाकिस्तान किताब है और ये वो किताब है जिसके अंदर दो हज़ार मुफ्तीन के राम और मशेख ने दस्तखत किए हैं मुझ समेत मुख्तफ मुखात और ये किताब इस वक्त पाकिस्तान का नरेटिव बन गया है पाकिस्तान का बयानिया बन गया ये एक फतवा है जिसने दहशत गर्दी की कमर को तोड़ा है आपको तो पता है कि और इमाम साहब भी जानते हैं और हमारे पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि हमने सत्तर हज़ार लाशें इस दहशत गर्दी की जंग में उठाई हैं टेर्रिज़म के हवाले से और उसमें फवाज पाकिस्तान उसमें स्कोर, इदारे सिक्योरिटी उसमें सिविल सोसाइटी आए दिन मार्किटों में बम और ये धमाके और ये सारा कुछ होता मासूम तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर हमारी कौम के उलमा जो कि चैयद हैं जो कि एक मकाम रखते हैं जो कि एक हैसियत रखते हैं उन्होंने फिर एक फैसला किया कि अब हम इस मुखें ना रियासत हो तो रियासत के अंदर क्या मुसल्ह जदोजहद जहेज़ है नहीं जहेज़ है इस्लाम का तन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हुकूमत के खिलाफ खरोज के लिए बहुत सारे शरात शरात है और हकूमत ऐलान करे या हकूमत बात करे तो फिर उसके बाद आप कोई बात कर सकते हैं उसके जब रियासत मौजूद है आपके इदारे मौजूद हैं पुलिस है फ़ौज है तमाम चीज़ें तो फिर आपको किसने इजाज़त दी तो वो जत्थे के जत्थे बनते थे मगर हमारे नेशनल एक्शन प्लान ने जो अफवाज पाकिस्तान ने जिसको अलहदुल्ल मुकम्मल किया और आज आ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जो एक लहर थी वो ख़त्म हो चुकी है और आ, इस पैगाम पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान आ, नहीं बल्कि दुनिया की ये आवाज़ बन चुका है और आज दुनिया भर के लोग इसको पसंद कर रहे हैं मैसेज ऑफ पाकिस्तान को और इसमें इसने दहशत गर्दी की कमर तोड़ी आज दुनिया भर के मुल्क जो हैं इसको पसंद कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि आज हमें मैं इकरा टेलीविज़न के व्यूज से और इकरा टेलीविज़न के ज़रिए इसको हर घर की आवाज़ बनाना चाहता हूँ इसलिए मैंने यूके में अंग्रे, अंग्रेज़ी में, में भी तर्जमा है इसका बल्कि मैं माम साहब की खिदमत में पेश करूँगा तो इसका अंग्रेज़ी और उर्दू आप अपने इकरा टेलीविज़न पर चलाएँ और अगर मौका मिले तो अगले प्रोग्राम में हिकमत में भी चला सकते हैं भी जैसे भी। इमाम साहब चाहें इसको चलाएं ताकि पता चले कि इसके अंदर है क्या ये है क्या तो इसमें दहशत गर्दी को हराम जो टेररिज्म है उसको हराम करार दिया इंतहा पसंदी को हराम करार दिया और इसी तरह जो है जो ये हमले होते थे इसके हवाले से बात की गई है कि ये हराम है और नजायज़ किसी को मारना और मुसल जो जदहद मुलक के होते हुए रियासत के होते हुए हुकूमत के होते हुए और इन तमाम चीज़ों के होते हुए तो ये एक बड़ा अच्छा ना तो मैंने इसको स्पेन में भी मेडर्ट में भी इसकी बात की और मुख्तलिफ दुनिया के ममालक में मैं आ, आ, बतौर एम्बेसडर ऑफ पीस के इस बात को कर रहा हूँ क्योंकि ये हम समझते हैं कि इस पैगाम की तरफ मैं अभी आऊँगा इन शाहता हूँ कि इसमें इमाम मै साहब का भी इजाफ़ा शामिल हो ज़रूर क्योंकि बरतानिया में आपको ये मालूम करके बहुत खुशी होगी कि माशा यहाँ इतिहाद और <coughs> इतिहाद बैन अमसालिक और इतफाक़ बीमाहब की ज़रूरत यानी और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मगरबी दुनिया में मुसलमान जितने हैं वो इस्लाम के और मैं हैं। मैं यहाँ आपको बात यह करना चाहूँगा मुझे बड़ी खुशी हुई थी पिछले इजाफा जब मैं आया था तो हमने मुख्तफ़ इलाकों में इतहाद बन अमसि कानफ्रेंसिस का इक़ाद किया था ख़ैर और इकर टेलीविज़न की तरह से तो वो बड़ा अच्छा था तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो आर बिशप है कंटबरी उनसे भी हमारा ताल्लुक़ है और वो जो कैंटबरी के जो आ, आर बिशप हैं वो इन तमाम चीज़ों को देख के बहुत खुश हुए थे और मैं समझता हूँ वो बड़े अजीम इंसान हैं जो कि आज काम और फिर आ, हमारे पास ये पिं चास भी आए और मैं मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस वक्त के आपके वजीर आजम हैं यूके के उनसे मैं मिल चुका हूँ वो बादशाह मजिद आए जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वही वहाँ अच्छा, पर अच्छा। यहाँ पर तो वो वहाँ पर जब विजिट किया तो उन्होंने हमसे इसीलिए मुलाकात की अच्छा। कि इस एम्बेसडर से मिलते हैं जो अमन का अम्बेसडर है और इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से दुनिया में काम कर रहा है बोरन जॉनसन जो हैं वो हाँ वो हमसे मिल चुके हैं और ये फिर साजिद जो आपके यहाँ पर डिफेंस के सेक्टी थे पहले और आजकल शायद खजाना के हैं वो भी तशीफ लाए तो उन्होंने भी इसी सवाल को किया और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सफीर काम कर रहे हैं वो बहुत ही अजीम और कल मैं और इमाम साहब पाकिस्तान के जो हमारे यहाँ पर सफीर हैं नफीस साहब उनको हम मिले और उनकी बातों को हमने जब सुना और देखा तो यकीन करें कि वो भी इंसानियत की मोहब्बत में भरी हुई थी इंसानियत की मोहब्बत में तो आज में के जरिए बहुत सारे मसाइल मसाइल तो को हल किया जा, जा है। सकता है तो मैं ये समझता हूँ जो काम हम बैठ कर यहाँ बता रहे हैं ये आप अपनी अपनी जगह पर परमा से भी मेरी दरख्वास्त है कि अपनी, अपनी अपनी जगह पर अब जो नफरतें हैं उनको ख़त्म होना चाहिए और अल्लाह का फजल है इसमें काफ़ी हद तक अल्लाह ने हमें और बड़े जितने भी हमारे रहनुमा हैं उनको कामयाब किया है तो ये ख़त्म होना चाहिए और मैं इस पर इकरा को भी जो टेलीविज़न है इसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात के ज़रिए आप भी लोगों को अच्छी बात कर रहे हैं मुख्तल मैं इस इस में 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 इमाम साहबी से पूछना चाहूँगा कि माशा हज़रत माना अब्दुल्खबीर आज़ाद साहब दामद बरकता हमने दुनिया पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान को वैसे भी एक सुलभता हुआ एक ख़त् ज़मीन समझा जाता है तो इसलिए उसकी बड़ी अहमियत है आर्मी नक्शे में तो लेकिन यहाँ हम पूरी दुनिया में इस्लाम के के हैसियत से तीन मिलियन मुसलमान यहाँ पर बरतानिया में रह रहे हैं तो यहाँ इतिहाद ज़रूरत और अहमियत पर आप रोशनी डालें और दूसरी बात यह है कि माशाला आपके ज़रिए इकरा टेलीविज़न के टी टीवी के प्लेटफार्म से जो काम अब तक हुआ है उसके बारे में आप कुछ नाजरन को पता भी है लेकिन बहुत सारे ऐसे नाजरन होंगे जिनको आगाह करने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है और इससे मोहब्बत का पैगाम ही माशा आगे बढ़ेगा जी रहीम सबसे पहले तो ये कि माशा इंटरफेथ और इंटराफ़ी दोनों हवालों से मतलब इतिहाद बैनमसालिक और बैनिब दोनों हवालों से करा से बढ़ कर के मैं कहूँगा कि खैर का किरदार रहा और जब खैर जिन दिनों में नहीं था उन दिनों में हमारी एक्टिविटी माशा उस लिहाज से रही मुझे याद पड़ता है ालिबा <coughs> ये तो 1997 नाइन्टी सेवन की बात है या नाइन्टी एट की कि मुझे और अहलिया को दोनों को जो है एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड दिया गया उस वक्त एक, एक, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर उसमें <coughs> लेकिन जो है हमने वहीं पर इतफा नहीं किया बल्कि मुख्तलफ़ इलाक़ों में जो इंटरफेथ कम्यूनिटीज़ के हवाले से फॉरम बने हुए हैं उसके अंदर शिरकत रही माशा ये वो आगे चल के ये किया कि फिर हमारे शुहेब यूसुफ सामाना जो सी ओ हैं उनको जो है फिर फ्रंट पर रखा अब उसमें जो है मुख्तलिफ़ मब के लोगों को जो है दावत देना उनके साथ कभी प्लेटफॉर्म में शामिल होना ये सारी एक्टिविटी जो है रही माशा अब सूरत हाल ये है कि चूँकि अल खैर फाउंडेशन का के हवाले से अगर देखें तो मेरी एक्टिविटी ऐसी है कि दुनिया में खुदा नखास्त कहीं भी कोई हादसा होता है या कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा होता है चैरिटी के हवाले से तो उसमें दावत दी जाती है कि आप आ के यहाँ पर बोलें तो उसको जो है तरजीह दी जाती है तो अब यह कि खैर के टीम मेम्बर्स में से कोई ना कोई जो है जा कर के नुमाइंदगी करता है मसल आज की ही मिसाल ले लें तो आज जो है तकरीबन कोई पाँच सात मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स थे माशा और अलखैर की टीम वाले जो है मतलब वो कोई यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहा है कोई वहाँ पर कर रहा है कोई वहाँ पर कर रहा है इस तरह का सिलसिला रहा माशा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अलखैर के तरफ से भी जो है काफ़ी एक्टिविटी रही इतिहाद बैन के केनान के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि एकरा के ऊपर बहुत प्रोग्राम हुए बिल्कुल जो है ख़ुद हज़रत मुफ्ती साहब मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब माशा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कबला मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब मद्दज़िली जो है वो माशा यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे और मेरे खा में चार सफ़र उनके हुए हैं इसी सिलसिले की कड़ी में और जब भी वो आए तो इतिहाद बैनमिक केनुवान के ऊपर जो है माशा उनके साथ प्रोग्रामों को तरतीब दिया गया मुल की सतह के ऊपर तो इस चीज़ को जो है बजाय यह कि हमने क्या किया आ, उसको देखने के बजाय क्या करना है क्या ज़रूरत है क्या करना चाहिए जी इस चीज़ को जो है हम चाहते हैं कि डिस्कस करें इन शहर आज़ाद साहब का माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है ये काम करने का 20-25 साल तजुर्बा है Uh, मेरा ख़ुद का अगर देख लीजिए तो 94 से जो है इस फील्ड का तजुर्बा है माशाला तो 94 से भी अगर देखें तो एग्जैक्टली exactly वो 25 साल हो गए तो उस लिहाज से मतलब हम दो भाई हुए इस फील्ड के जगह माशा तो यूके के जो है माशा मनहज को अप्रोच को सामने रखते हुए और पाकिस्तान के तरीक़ार को सामने रखते हुए अब ज़रूरत इस बात की है कि वो ब्रिज को जो है नैरो किया जाए वो ख़ला को जो है कम किया जाए और इंटरनेशनल सतह के ऊपर इतिहाद मजाहिब के ऊवान के ऊपर काम किया जाए मतलब। इसी सिलसिले की कड़ी जो है ये भी है कि हजरत का जो सफ़र हुआ है इस वक्त बरतानिया आने का जो है वो असल बरतानिया आने का नहीं था ये तो जो है मतलब साइड एक्टिविटी है असल इनका सफर सफ़र रहा स्पेन का मैड्रिड का वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रही उसमें इनको दावत दी गई माशा वहाँ मुख्तलिफ ममालिक है माशा एम्बेसडर हजरात वगैरह वो शरीक रहे तो जहाँ मतलब एक चीज़ स्पेन में शुरू हुई है आ, पिछले साल भी इन्होंने उसमें शिरकत की थी मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड में यू में इस चीज़ का खला है अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यू के अंदर विदिन यू आपस में जो है काफ़ी एक्टिविटी हो रही है लेकिन ये कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल लीडर्स जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है इस फील्ड का तो किसी मुल्क से जो है मसलन मुसलमानों में से एक्सपर्ट को ले लिया किसी और मुल्क से हिंदुओं में से एक्सपर्ट को ले लिया किसी और मुल्क से क्रिश्चियन को ले लिया हर मुल्क से हर मजहब के लोगों को बुलाना तो नामुमकिन होगा जे. लेकिन अगर दुनिया के जो है बीस पच्चीस नुमाइंदों को भी बुला लिया जाए और एक इंटरनेशनल सतह की कॉन्फ्रेंस लंदन में हो तो मैं कहता हूँ वाकई उसका जो है पूरी दुनिया में असर पहुँचा छोटी सी मिसाल देता हूँ मेड्रिड में कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी ज़बरदस्त मशाला लेकिन कहीं कोई तस्करा नहीं है बिल्कुल स्पेन में तस्करा होगा पाकिस्तान के अखबार में आया होगा या जिन ममालिक नुमाइंदे वहाँ रहे उसमें आया होगा लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कोई तस्करा नहीं है उसका लंदन में अगर ऐसा काम होगा यूके में ऐसा काम होगा तो वो एक पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा क्योंकि तो तो लंदन को फिक्री मरकज़ कहा जाता है जी हाँ और ये बात है और सिर्फ मुस्लिम ममालिक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ अगर कोई बात होती है यहाँ अगर कोई तस्करा किया जाता है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ से कोई बयान याडामिया सामने आता है तो उसका बड़ा अच्छा असर होता है जी अब साथ में ये भी है कि जो है सबसे मरह, बड़ा मरहला इसमें आता है फाइनेसिस का जी जो है कॉन्फ्रेंस को फाइनेंस करने का अब इसमें हमें यह गवारा नहीं होता कि भाई जो है खैर के पास जो इवन जनरल डोनेशन है जी जो है जो कोई मुकैद नहीं है जो ज़क़ात सदक़ा भी नहीं है जनरल डोनेशन जो है या इवन जो है खैर के मतलब और कोई इनकम है उसको जो है हम इस पर लगाएं इसलिए कि उसका उस उसके ज़्यादा मुस्तक जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक लाल तैयार किया जाए और जो खैर के मतलब इकरा टीवी की अपील के थ्रू नहीं बल्कि चीदा चीदा जो सपोर्टर हैं उनके ज़रिए से इस किस्म की कॉन्फ्रेंस को प्रोग्राम को इस्पॉन्सर कराया जाए बिल्कुल और इस तरीके से माशा जो है उसको आगे ले करके चला जाए कॉन्फ्रेंस के जो है दो बड़े ख़र्चे होते हैं एक वेन्यू का होता है और दूसरा जो है मतलब जो उसमें शारकिन है मुशारकिन हैं उनके शुरा का जो है उनके उनको बुलाने का उनके सफ़र का उनके रिहाइश का और लवाजमत का जो है वो ख़र्चा होता है तीसरा फिर इवेंट को मैनेज करने का और उसकी पब्लिसिटी वगैरह ये वो सारा लेकिन वो ज़िमनी है तो बहरहाल जो है इस चीज़ की ये बहुत है इमाम साहब काफ़ी उसका ख़र्चा है या अखराज उसके काफ़ी ज़्यादा होंगे लेकिन ज़रूरत इसकी बहुत ज़्यादा है ज़रूरत बहुत जादा जादा है। क्योंकि यहाँ से एक मैसेज अगर जाएगा एक अलामिया अगर सामने आएगा तो उसका जो मस्बत नतीजा और असर सामने आएगा कि दुनिया को अगर तकसीम होना है तो ालम और मज़लूम में तकसीम होना है ये नहीं है कि मजाहब की बुनियाद पर तकसीम को फ़रग दिया जाए ये पैगाम हर जगह जो है वो ालिम के ख़िलाफ़ सारे लोग मुतहद हों और मजलूम के हक़ में जो है वो आवाज़ उठाएँ तो ये मैं समझता हूँ सॉरी मैं बात को वो कर रहा हूँ बड़ी अच्छी बात की है माम कासिम रशीद साहब ने आ, ठीक है कि एक तरफ हम जो दुखी इंसानियत है तकलीफ में है मसाइल में है उनकी कर रहे हैं और वो बहुत बड़ा काम है बड़ा अजीम काम है मगर मैं ये समझता हूँ कि आज आ, इस अजीम काम की तरफ भी आ, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये बड़ी अच्छी माम कासिम साहब ने बात की है आ, असल में मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ देखा नहीं गया या अगर नेट खोलें तो वो जो कॉन्फ्रेंस है वो दुनिया के कई ममालिक में होती है तो वो दुनिया के सौ मुल्कों के तो लोग आए होते हैं मैं, उस कॉन्फ्रेंस में तो लोगों तक तो काफ़ी वो कॉन्फ्रेंस पहुंचती है बात होती है और ये एक नहीं होती कई हो रही होती मगर आ, अगर ये एक अलखैर के प्लेटफार्म से अभी मैं इन हम अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर के अपना इस्लामाबाद के अंदर मुख्तर तार्फ़र जी जी।, जी जी तो वो जो आ, मेरा मकसद कहने का ये है कि इस कान्फ्रेंस को किया जाए ये जो बैन अवी जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आ, ये यूके के अंदर और उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक लोगों को बुलाया जाए यहाँ पर और मुख्तफ ममालिक लोगों को बुलाने के बाद डबेट कराई जाए और उस डबेट को जैसे हमारे मौलाना का, कासम रशीद साहब ने कहा है कि जो है ना वो दिखाया जाए वो बी बी सी भी आ जाए सी एन एन भी आ जाए दुनिया के सारे <स्थिवीजन> टेलीविज़न आएँ उनको दिखाएँ और इन उसके अंदर जो आ, एक क्योंकि इसके हवाले से हमारे पास बहुत काम है और लोगों के साथ रबते भी हैं तमाम मजाब के साथ तो मैं जो है वो सारी चीज़ें का इमाम साहब के साथ क्योंकि अब क्योंकि हम दोनों इस पर काम कर रहे हैं तो और इन इनको अमन अवार्ड भी देने वाले हैं इसी इसी काम के हवाले से तो इससे इन शहजीज़ मैं समझता हूँ कि दुनिया को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि अपनी अपनी जगह पर है या एक टेलीविज़न पर है बल्कि ये तमाम लोगों के दरमियान में है और दुनिया के तमाम मजाब हमारे सामने बैठे हुए हैं हम सब इसका अमली जो लाये हल हो सकता है जो अमल हो सकता है या अमली तौर पर आपने जो अच्छी तजवीज़ अल्लाह ताला ने दिल में डाली और ज़बान पर आई और हमारे नाजरीन को भी हम ये शेयर कर रहे हैं आपने माशाल्लाह बेहतरीन एक चीज़ शेयर की है इसका ऐसा मुसबत इस सुलगता हु सुलगती हुई दुनिया है और तबाही की तरफ ख़त्म हो सकती है।, है तो आपने जो तजवीज़ पेश की है उस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए आपके जहन में जो तजावीज़ हैं और जो अमल है उसका प्रोसीजर है वो भी आप नाजरन को और हमें शेयर करें ताकि इन आगे बढ़ सकें पैसों के अखराजा को गयर, पूरा करना ये वो सारे मसाइल हैं जी माशाल्लाह देखें सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ जो है और, आ, वो रहना जाए क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी मैं उसको टच करना चाह रहा था वो रह गई थी इस दौर में जो है आ, बैनल मजाहिब यूनिटी का या हम आहंगी का या ये कि जो है इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग कह लीजिए वो काम करना कदर का आसान है जी जी, जी। हजरत खबीर आज़ाद साहब जो काम कर रहे हैं जो है ये हमने जो काम किया है अभी तक के वो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ख़ास ऐसे चैलेंजेस हम लोगों के सामने नहीं आए जो हज़रत के वालिद साहब के दौर में जो थे उस चीज़ पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है उस दौर में जिस वक्त यानी क़ुरान की ये आयत को खुल करके पेश किया जाता था कि मुशरिकून नज़स जिस वक्त जो है काफिरों को एक नापाक चीज़ समझा जाता था जिस वक्त किसी काफिर को हेलो हाय करने के ऊपर भी जो है लोग ताल्लुक़ तोड़ने के लिए तैयार होते थे जिस वक्त मतलब ये कह लीजिए कि एक वो मुल्क जो आ, कुरान के ऊपर बना और जिस मुल्क का नज़रिया ही यही था कि भाई सिवा इस्लाम के किसी चीज़ को कबूल नहीं करना है पब्लिक का बिल्कुल मैं मुल्क लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मुल्क मुल्क के सरबराहों की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये कि पब्लिक के जहन में ये था कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम के अलावा कुछ नहीं चल सकता बिल्कुल जो है उस दौर के अंदर ये बात करना कि नहीं भाई तमाम मजाहब को लेकर के चलना है जो है, मैं समझता हूँ वो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी थी जी बिल्कुल और आज जो है पच्चीस साल के या पचास साल के बाद भी इकरा और अलखैर के इस प्लेटफॉर्म से उनकी वो खदमात को जो है तस्लीम करने की और सराहने की ज़रूरत है खदमत जो कें वो तो कहीं वो तो अपनी एक जगह लेकिन वो बैरियर जो तोड़ा है उन्होंने वो जो तबू जो उन्होंने तोड़ा है ये बहुत बड़ी चीज़ थी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि जब मैं कुरान मस्जिद में इमाम बना ये 94-95 की बात है जो है तो उस वक्त हमने पुलिस को बुलाया जी। मस्जिद में और मेरा पुलिस को बुलाने का मकसद ये था कि भाई जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं और उसको आपने कमरे में रख रखा है अब वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जो आपको लगता है शायद कि यार ये पागलों की हरकत है तो हरकत क्या है वो आप हमारे से समझ लें बंदा खड़ा है हाथ बांध करके फिर रुको में जा रहा है फिर सजदे में जा रहा है फिर अतियार में बैठा है आप कहेंगे यार ये कर क्या रहा है जिसके सामने इस्लाम की ये बात नहीं है कि भाई ये इस्लामी अहकाम हैं और उसने दिन में पाँच दफ़ा करना है इस वजह से कि जो है पुलिस वालों के सामने वो बात नहीं थी पुलिस ने कई की नमाजें तोड़वाई कई की हड्डी पसली एक हो गई कई को जो है मतलब आइसोलेटेड के सेल, सेल के अंदर डाल दिया गया Allah. और आइसोलेटेड सेल में डालना बहुत बड़ी सज़ा होती है बहुत बड़ी सज़ा होती है सिर्फ इस वजह से कि वो बंदा नमाज पढ़ रहा था और सिर्फ इस वजह से कि पुलिस ऑफिसर को पता नहीं है hmm. वो कैदी जो है यानी जो प्रिजन में है जो जेल में है जी। उनका तो मामला उनकी उन, उनकी तरफ से मसला नहीं था इसलिए कि जेल की जो इंतज़ामिया है उनके सामने तो ये मुसलमानों के मसाइल 25 साल के 50 साल से मुसलमानों की उनको, मानूस है उनको वो जी लेकिन जो पुलिस स्टेशन में जो रखा जाता है वक्ती तौर पर जो है तो वहाँ जो है मसाइल हो रहे थे अब वो मुसलमान कहता है मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए उसको एक गिलास पानी दे दिया वो कहता नहीं मुझे एक लोटा पानी चाहिए ये तो इस्तिंजा के लिए या वज़ू के लिए ये बात पुलिस को समझ नहीं आती थी नहीं। तो उन दिनों में हमने यहाँ पर चीफ़ पुलिस इंस्पेक्टर से ये जो है समझ लीजिए कि एक किस्म का माह कर लिया कि कोई भी नए पुलिस ऑफिसर की जॉब उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगी जब तक वो कुरान मस्जिद आकर के ट्रेनिंग ना हासिल कर ले बड़ी बात है। कोई मामूली बात नहीं थी बहुत बड़ी बात है, है। लेकिन जिस वक्त वो मस्जिद आए हैं लोगों ने जो है लोगों के सामने ये कोई तफसीलात नहीं थी बस लोगों ने अपने जो ख़्याली पुलाव के हिसाब से जी देखें इसने तो पुलिस के लिए दरवाजे खोल दिए मस्जिद के इसने तो जो है मतलब हमारी जासूसी के ऊपर इनको लगा दिया है जो है तो वो जो ताने मुझे सुनने पड़े हैं इस दौर में यानी हमारी जिंदगी के अंदर तो उस दौर में जिन्होंने काम किए होंगे और ये तो छोटा सा काम था मकामी सतह पे था जिन्होंने मुल्की सतह पे काम किया एजेंट होने की गालियाँ सुनने पड़ी पड़ी <laughs> <जे। laughs> मसाइल तो फिर माम साहब ये चीज़ें तो आती हैं मगर हम समझते हैं वो चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने छोटी लगती हैं मगर जब हम बड़ा काम करते हैं और उसका अजर भी अल्लाह की तो तो तरफ से हदफ हो जब सामने होता है तो इन चीज़ों को फिर मैं ये समझता हूँ कि यकीन ये आवाम में होंगी चीज़ें होंगी मगर इनको कोई आ, हमें आ, वो नहीं देनी चाहिए हमें देनी नहीं चाहिए मैं समझ आ, मैं ये बता मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो ये बात है कि भाई हमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनका करना चाहिए और इस तरह की बात उसमें इन शज़ीज़ अल्लाह ने चाह तो ये व्यूज़ भी सुन रहे हैं और इसके ऊपर अब काम भी शुरू हो जाएगा दूसरा ये है कि जैसे आप मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर यहाँ पर सिटीज़ के अंदर क्योंकि हम पाकिस्तान में करते हैं तो वहाँ पर वर्कशॉप का इंतज़ाम किया जाए छोट छोटी छोटी वर्कशापें रखी जाएँ प्रोग्राम रखे जाएँ तकरीबात रखी जाएँ ताकि वहाँ चर्च भी आ जाए भी आ जाएँ और सब बैठ कर एक बात करें तो उसके लिए भी प्लेटफार्म इन करा और खैर बन सकता है बैन अमाहबा महंगी के हवाले से और हम इसको पूरा शेयर करेंगे इन तीसरा यह है कि टेलीविज़न चैनल ये जो इस वक्त नशरियात दे रहा है पूरे यू के को यूरोप को दुनिया को दे रहा है इसके ज़रिए भी हम इस पैगाम को इस बात को करें बिल्कुल सही कहा इमाम साहब ने बड़े मसाइल आए बड़ी चीज़ें आई और बड़ी दुनिया ने इसको मगर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आज जो लोग हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो इससे इतफाक़ करेंगे और वो चाहेंगे कि ऐसा काम जो है इंग्लैंड के अंदर आ, बड़ी सतहों पर भी और छोटी सतहों पर होना चाहिए क्योंकि इसकी अहमियत बहुत है आज जो दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं ना आग लगी हुई है अगर हमने इस आग से निकलना है तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदियों में लाना होगा अपनी सतह पर लाना होगा हर महल और हर शहर और हर मुल्क के अंदर इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा अभी आपके सामने है जो कुछ भी हो रहा है जिन जो भी हालात बने हुए हैं तो आ, मैं समझता हूँ कि इन शफर्ट से बहुत सी जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म होंगी गुरबतें बदलेंगी हमारे पाकिस्तान में क्या होता है जब अब अब क्या है जो माम ने कहा ना कि इतना जो काम किया अच्छा ये बात कर रहे थे पुलिस की ना जो इमाम कि मैंने मस्जिद में दा तो इन्होंने तो रसूल सल्लम की सुनत को अदा किया कि आप के पास जब नजरान से वफ़द आया तो आपने उनके लिए दरवाज़ों को बंद नहीं किया तो आपने उनके लिए दरवाज़ों को खोल दिया और वो कौन थे मसीही थे डायलाग हुआ बात हुई आ, मुलाकात हुई और हती कि जब उनका वक्त आ गया कोई करने का तो फरमाया कि कर लो क्या तो ये इखलाक था रसूल ने अभी अभी करम, इस पर एक, एक जुमले का इजाफा करना मैं चाहूँगा कि इस्लाम के इस अजीम मिशन और इस अहम पहलू की तरफ तोज्ज इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो दूसरे बहुत सारे पहलू सामने होते हैं कि हमने तसल्ल कितना इख्तियार करना है मज़बूती कितनी इख्तियार करनी है दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो एक नफ़रत का जज्बा अलबुज का जज्बा कितना चाहिए वो एक जज्बा होता है अब जो दिनी मदारे से जो फारु तहसील है उनमें इंटरनेशनली इस्लाम का नुमाइंदा बनकर इस्लाम के नुमाइंदे बनकर हाँ सफीर बनकर रहने के लिए एक तालीम और तरबियत का दरवाजा खोलने की जरूरत है अगर मैं आपको काम है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इमाम साहब की बिल्कुल मैं बता रहा हूँ अभी हमारी हुकूमत के साथ और हमारे तमाम इदारों के साथ जो बातचीत हुई है और उसके अंदर हमारे जो मदारस के वफाक हैं उन तमाम लोगों ने बैठ कर जो अब एक चीज की है उसके अंदर ये हुआ है कि मदारस के दिनिया के अंदर सिर्फ आ, दीनी तालीम नहीं बल्कि दुनियावी तालीम भी अब लाई जाएगी हमारे बड़े मदारस हैं जैसे मुफ्ती रफी स्मानी साहब हैं या और इस तरह के बड़े बड़े जो जाम बनौरिया है और इस तरह के मदारस से आ, वो, आ, वो कराची में इसी तरह जाम फरूकिया है।, है और लाहौर ला। में जाम शरफिया इस तरह के तो वहाँ हो रहा है मगर अब ये काम जा रहा है तमाम मदारस के अंदर और निचली सतह पर और इसको फिर आ, आ, किया जा रहा है वजारत तालीम जो पाकिस्तान की है शफकत महमूद उसके वज़ीर हैं उनके साथ इसको जो है ना किया जा रहा है साथ किया जा रहा है ताकि ये जो बात आ रही थी ना कि जो मदारस में सिर्फ दीनी तलीम है दुनियावी वो दुनियावी तालीम के साथ दी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का सिलेबस भी बनाया जा रहा है और राइज किया जा जाएगा और एक अच्छा आलिम जो है इन शज़ीज़ हमारे मदरसे से निकल कर जो है वो आएगा और बड़ी अच्छी बात की वहाँ हमारे आर्मी चीफ़ ने हमारी मुलाकात हुई उन्होंने कहा यार ये चेयर पर अगर आ, अगर एक आलिम भी आकर आर्मी चीफ बन के बैठ जाए तो क्या है तो एक अफसर की जगह अगर वो आकर अफसर बनकर बैठ जाए एक आलम दीन तो क्या है अगर वजी अजम की सीट पर एक एकम दीन आकर बैठ जाए तो क्या है? तो ये बड़ी अच्छी बात और डिबेट जो है वहाँ पर शुरू हुई और अलहमदिल्ला वो मुकम्मल हो गई पाकिस्तान अपनी बड़ी अच्छी सिमत की तरफ जा रहा है मगर अभी जो मसाइल हैं ए, इस वक्त जो आपके सामने भी हैं हमारे सामने भी हैं और हम सब दुआ गो हैं कि इस वक्त जो हमारा आ, हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान और आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आज आ, तकरीबन आ, पचास दिन होने वाले हैं कि वो मासूर होकर रह गए हैं, कर्फ्यू है हाँ। और वहाँ पर आ, कोई उनको दिलासा देने वाला नहीं है उनकी कोई दार रसी करने वाला नहीं है और कोई उनका को को, कश्मीर ये तो इस वक्त सबसे अहम है सुलगता हुआ है तो मैं इस्लाम के इसमें इस भी हमें बड़ा तो जरूरत तो तो है तो, कि हम जै। इसकी आवाज़ को बुलंद करें और अकवाम तो, मत की करारदादों के मुताबिक ये जो मसला है उसको हल किया जाए और ये तो हम कह सकते हैं ना कि अकवाम मुतहद के जितने मसाइल हैं उनमें सबसे पुराना मसला सबसे पुराना मसला ये है और इस मसले को अब, अब तक हल क्यों नहीं किया हाँ, गया हल नहीं हुआ तो, तो हम ये समझते हैं कि इस मसले को हल करने में अपना किरदार अभी सब यूएनओ में बैठे हुए हैं इस वक्त तमाम ममालिक बैठे हुए हैं बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी बैठे हैं दूसरी तरह से उनके हुक्मरान भी बैठे हैं तो मैं समझता हूँ अल्लाह करे कि वहीं पर कोई ऐसा समझौता या कोई ऐसी बात हो जाए ताकि जो आज आग में वो कश्मीर सुलग रहा है उस आग से किसी तरह उसको निकाला जा सके आज वहाँ की बेटी बहन के साथ जो जुल्म किया जा रहा है बच्चों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो दुनिया के सामने है तो हम यकीनन एक आवाज़ हैं और आ, आज ये आवाज़ सिर्फ खबीर आज़ाद की या इमाम साहब की आपकी नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत की है और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही हों बल्कि तमाम मजहबों की ये आवाज़ है की तरफ़ से कि आज जहाँ जहाँ इस तरह की आग लगी है उसको बंद होना चाहिए और उस पर हमें पानी डालना चाहिए और ये ख़त्म हो होना चाहिए और इसको इस मसले को जो है सुलझना चाहिए उनको आज़ादी दें और वो अपनी ज़िंदगी को अपने आज़ादाना तौर से खुद तय करें ठीक है तो उनको तो छोड़ा जाए मगर इस तरह की हरक़त करने से एक लावा पकेगा एक आग पकेगी और, और वो जब फटेगा तो उसके लिए मुश्किल तो होगा ये जो दिन गये? हो गए और अंदरों ने हालात की इतला भी नहीं है तो जयम साहब तो तो अभी आपको तो आपको तो बहुत सारे इतलात होंगी कश्मीर के हवाले से एक तो मसले की कर्ब की है अनदोह है और इस वक्त जो इंसानी एतबार से जो मसाइल हैं इस वक्त जो है लोगों के अंदरूनी हालात का भी इलम नहीं है कोई सहावी अंदर नहीं जा सकता और सारी तफसली सूरत जो है दुनिया के सामने भी नहीं ला सकता और दुनिया जो है चुप चुपसादे बैठी हुई है इस पर आप क्या कहेंगे सबसे पहले तो जो है कश्मीर का जो मामला है मुझे ताजुब होता है कि हिंदुस्तान के बाज बाद जो है वो इस इकदाम की तइद कर रहे हैं उन उनमा पर मुझे जो है तजुब होता है और जो है ये मतलब अपने ही हैं बल्कि जो है इवन दोनों तरफ के उलमा तीनों तरफ के उलमा मैं कहूँगा शिया सुन्नी में भी और दियोबंदी बरेलवे में, में भी जो है तो लोग जो है सिर्फ बात करते हैं जमीयत उलमा के सदर की लेकिन अजमेर के दाता जो हैं अजमेर दरबार के जो सरबरा हैं वो भी उसमें शामिल हैं जो है जो इस चीज़ को तस्लिम कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान हिंदुस्तानी हुकूमत कर रही है वो सही है और जो है ये हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर चाहे वो हिंदुस्तान का हिस्सा है दिल्ली की जामे मस्जिद के जो खतीब हैं मैं कहता हूँ उसने तो कमाल कर दिया जी हाँ कमाल कमाल कर, कर, कर दिया हम उनको सलाम पेश करते हैं जी माशा तो माशा अक्सर उलमा जो है और अक्सर आवाम जो है क्या कर... बल्कि अक्सर पॉलिटिशन्स भी जी जो है इस फेवर में हैं कि कश्मीरियों को इंसाफ मिलना चाहिए जो है दूसरी बात यह कि जो है जहाँ तक बात है सियासी नज़रिए की तो देखें हिंदुस्तान और कश्मीर का जो ताल्लुक़ था वो आर्टिकल थ्री सेवेंटी की वजह से था अगर उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो इसका मतलब वो ताल्लुक़ भी ख़त्म होगी हो जाता है इस चीज़ को जो है हिंदुस्तान मानने के लिए ऑब्वियसली तैयार नहीं है इस वक्त वो सूरत हाल हो रही है जो फ़लस्ती और इसराइल की है और ये सब कुछ जो है इसराइल से सीख करके और उसके मशवरे के साथ हो रहा है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है यहाँ की मजालिमाना हरकतों को, को की नकल उतारी जा रही है। जी अगर मैं आपके सामने ये बात कहूँ कि कश्मीर में जिस तरीके से मजालिम हो रहे हैं उसको अगर आप सुन लें कल जो है इमाम साहब के सामने दो बातें आई थी जो है इनके रोंगटे खड़े हो गए जिसके सामने वो बातें की हैं उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं वो मजालिम को अगर आप सामने रख लें तो आप फलस्तीन को भी भूल जाएंगे फ़लस्तीन को आप जो है अमन की जगह समझेंगे उसके है है। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इस तरीके का रवैया और मामला है लेकिन इस वक्त जो नज़रिया जो पॉलिसी है वो ये कि जो है कश्मीर को महीनों तक के लॉकडाउन रखा जाए महीनों तक के so, जिस वक्त जो है इस मामले को चार पाँच दिन हुए थे मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये 2019 में ये मामला ख़त्म नहीं होगा दुआ होती है कोशिश होती है चाहत और तमन्ना होती है कि जल्द अज़ जल्द ये मामला ख़त्म हो लेकिन हमारे सामने वो चीज़ें हैं किन पॉलिसीज़ के तहत किन नज़रियात के तहत किन लोगों के मशवरों से जो है ये इकदाम उठाया जा रहा है इसके पीछे असल मकसद ये नहीं कि भाई दो चार दिन के लिए लॉकडाउन किया और बल्कि असल मकसद ये है कि हर एक एक घर के फर्द को जो है आ, उसकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए तो वो एक मिशन जो है खौफ जी, और इन वो डर जाए जी तो लोग कह रहे हैं कि जो है कश्मीर के अंदर पाँच लाख साढ़े पाँच लाख जो है फ़ौज मौजूद है ये बिल्कुल ग़लत है असल तादाद इससे काफ़ी ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा है और फिर जो है फ़ौज के साथ सिविलियंस वहाँ पहुँचे हुए हैं जिनको फ़ौजों की हिमायत हासिल है बल्कि फ़ौजी वर्दियाँ उनको मुहैया है मुसलमानों में इमाम साहब अगर किसी जगह पर वो तरबियत तरबियत का पता चल जाता है ना तो हम भी उसके ख़िलाफ़ हैं कि मुल्क के अंदर कोई अलग फ़ौज कायम कर ली जाए या कुछ लोग तरबियत जहाद के नाम से या किसी और तरीके से जो है वो तरबियत वगैरह करें जंगलात में जाकर तो इक्का दुक्का अगर कोई वाक़ा पेश भी आ जाता है तो उसके हमारीफत हम करते, करते हैं है। लेकिन अगर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों में इस बात को जायज़ करार दिया जाता है और साल हा साल से वो सविलियंस में इतने दहशतगर्द जो है वो तरबियत याफ़्त दहशत गर्दों का जत्था तैयार होता है और वो पूरी उम्मत के लिए और मुसलमानों के लिए और दुनिया के लिए अमन के लिए वो मसला बनते हैं तो इस पर जो है वो कोई बोल देखिए ना मैं कहता हूँ कि जो है इस पर अगर तकबुल करें आप सबसे पहले तो मैं साफ़ कहूँगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में कोई ज़्यादी होती है हम उसको मानते नहीं हैं जो है हम कहते हम साफ कहते हैं कि वो गलत हैं पाकिस्तान का ये कदम कि भाई हिंदुस्तान में आकर के वो कुछ करे कुछ करे वो जो है हुआ होगा लेकिन अब जो है उसके दरवाजे बंद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब भी कंफर्म करेंगे कि इस किस्म की अब कोई एक्टिविटी सच नहीं है लेकिन अगर मान लीजिए खुदा न खास तो कोई ऐसी एक्टिविटी होती भी है कि पाकिस्तान के किसी फ़र्द का या किसी तंजीम का या इवन हुकूमत का कोई ऐसा इकदाम हो कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन को ख़राब किया जाए हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे बिल्कुल ठीक है ना ये साफ जो है अब पाकिस्तान को जो है दहशत गर्द करार देना उन बुनियादों के ऊपर जिसके मुजरिम आप खुद हैं ये कहाँ का इंसाफ है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की चंद शख्सिया को लेना जो है, उनको लेकर के जो है आ, उनके वो अजाइम बताना जो आपका मैनिफेस्टो है जो आपकी जो है सिर्फ सोच नहीं बल्कि आपका अमल वो रहा है बाल ठाकरे साहब का देख लें उनका क्या रवैया रहा है मुसलमानों के बारे में उन्होंने क्या नहीं किया आर एस एस शिवसेना इनका क्या इकदाम नहीं रहा मुसलमानों को मिटाने के बारे में और इस हुकूमत के मातहत कितनी खुली आज़ादी उनको है कि वो करें जो चाहे वो कर रहे हैं जहाँ चाहे जो है वो मतलब उठा करके मार रहे हैं इस जो है मतलब यदि वो माइंडसेट के असल मुजरिम तो आप हैं अफराद अगर कोई काम करे तो उसको तो गर्दी करार दिया जाए और पूरी रियासत अगर करें जी तो उसको ये कहा जाए कि वो सही करें मैं ये करें। नहीं कहता कि हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने है के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाज अफीलेट इदारे लफ्ज में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी के बा, बाज पॉलिटिशियंस के अफिलिएटेड इदारे जिससे ख़ुद वजीर अजम मुस्तना नहीं है वज़ीर अजम भी उससे मुस्सना नहीं है उनकी भी अफीलीशन रही है और उन्होंने जो है अपनी अफीलीशन को आ, गुजरात फसादात के ज़रिए से साबित किया जी इस दौर के अंदर जो जितना बड़ा जुल्म करता है उसकी इतनी बड़ी तरक्की होती है और बहरहाल बात कहीं कहीं की कहीं, कहीं और जा रही है लेकिन ये कि कश्मीर के हवाले से ज़रूरत इस बात की थी कि खुल करके एक बयानी सामने आए और मैं समझता हूँ कि जो है हम हिंदुस्तान में अमन के खैर खां हैं हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ मुसलमानों का है इस वक्त अकवद का अजलास होने वाला है और उसमें इमरान ख़ान साहब भी खताब करने वाले हैं अगर हम यहाँ से पता नहीं कोई भी सुन ले जिम्मेदार अफराद में से किसी तक जो है वो पैगाम भी पहुँच सकता है कि अवहदा यूनाट नेशन अगर ये सोच ले कि उसने पूरी दुनिया के सुलगते हुए मसाइल का हल पेश करने के लिए आ, अपना वजूद का जवाज़ उसका बनता है तो ऐसे हालात में उसका जो सबसे पुराना इशू है अपना जो सबसे पुराना मसला है वो भी अगर हल ना कर पाए तो ख़ुद अकवा मुत के लिए इस वक्त ये सबसे यानी सवाल उसके सवालिया निशान है उसके वजूद के जवाज पर सवाल आता है और उसके माथे पर कलंक का टीका है कि अपना सबसे पुराना मसला कि मैं दावा लेकर आया हूँ कि पूरी दुनिया में अपने इंसानियत के सारे मसाइल में हल करूँगा और अपना जो सबसे पुराना इशू है उसको मैं अल्तवा में डाल दूँ और सत्तर साल से उसको मैं ज़ैर अल्तवा रख कर और उसमें दुनिया को मैं रखूँ इस पर हजरत क्या फरमाई बात सुने बात यह है कि हिंदुस्तान की बहुत सी हुकूमतें आई हैं और हम समझते हैं वाजपेयी बहुत सख्त थे शायद मगर उन्होंने भी ऐसा कोई जुल्म या ऐसा कोई जबर या कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो आज ये हमारे जो मोदी हैं जो कि इंतहा एक पसंद सोच रखते हैं जिसका इशारा अभी आपके सामने किया गया है कि वो किन तंजीमों के साथ उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने पहले क्या क्या फसा ये कश्मीर के अंदर नहीं हो रहा कश्मीर में तो है ना बंद करा हुआ है और मार रहे हैं और कूटे जो भी और जो कुछ किया जा रहा है वो कहने के काबिल नहीं हैं आवाम सामने बैठ कर भी ये प्रोग्राम देख रही है फिर उनको भी तकलीफ़ होगी अब हिंदुस्तान की गली गली में हिंदू मुसलमान को वहाँ पर ख़राब कर रहा है और मैं आपको बता दूं जब से हमारी हुकूमत आई है ये जो इस वक्त जनाब इमरान ख़ान की है इसके अंदर और हमारे जितने भी इदारे यहाँ पर कोई ऐसा काम इमाम साहब कोई ऐसा काम नहीं हो रहा आपके सामने है कि उन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया गया और अब जितनी भी बात कश्मीर के हवाले से उठाई जा रही वो सफारती है और वो गली महलों से है शहर से है मस्जिदों से है इमाम, तमाम जगहों से है और दुनिया भर में बांग्लादेश देखें आप बांग्लादेश से आवाज़ नहीं उठ रही हिंदुस्तान के अंदर आप जाकर देख लें आज इमाम बुखारी ने जो वहाँ से पैगाम दिया है या उसने बात की है मैं तो अजीब देख रहा हूँ कि वहाँ के जो हैं एक दो जो उन्होंने या मशाइख हैं उन्होंने इस तरह की बात क्यों की उनको ये नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और मुसलमान के साथ मुसलमान का ताल्लुक़ क्या है रसूलुल्लाह ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है और आज मोमिन जल रहा है मर रहा है और आज ये बात करते हैं कि वहाँ ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता भाई आप हुकूमत को समझाएं आप वहाँ के हुक्मरानों को समझाएं कि जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है और आप क्या ये समझते हैं कि आया ये आवाज़ दबाने से आया ये दिन कर्फ्यू लगाने से आज पचास दिन हुए हैं महीने ले जाओ मर जाएंगे खप जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे क्या आप ये समझते नहीं कि यह लावा पकड़ा है जी। और यह नुकसान का बास बनेगा ये हिंदुस्तान की हर गली कूचे में नुकसान का बा फिर कहेंगे जी पाकिस्तान ने किया पाकिस्तान ने नहीं किया पाकिस्तान नहीं कर रहा अब आप खुद करने जा रहे हैं तो आप इसको कैसे रोकना चाहते हैं इसको रोकना है तो फौरी तौर पर इस इंतहा पसंद जो सोच है इसको रोकें और इसमें अकवाम मतहद अपना वो किरदार जो आपने फ़रमाया और इमाम साहब भी इस चीज़ को ज़रूर वो करेंगे कि अवहद जो है इस पर अपना एकदम जो मतलब कि अभी ये सारी दुनिया के ममाल क्या हँसने के लिए बुलाया वहाँ पर क्या बात सुनने के लिए बुलाया अभी वहाँ पर जो कल तकरीर हुई है जो नेट के ऊपर मैंने भी देखी है लाखों दुनिया ने देखी है कि वो बड़े इतमान से जो मोदी साहब हैं वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं फ़लाना कर दूंगा मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ आप ये मत तड़ियाँ लगाएं आप मत बात करें हम नहीं चाहते ये दोनों के हक में अच्छी नहीं है ना हिंदुस्तान के हक में अच्छी है ना पाकिस्तान के हक़ में अच्छी है अगर जंग होती और अगर जंग होती है तो फिर आप बताएं कि नुकसान किधर जाएगा तो इसलिए हम अभी भी आज इस इकरा टेलीविज़न के ज़रिए क्योंकि यूके का ये एक अजीम चैनल है इसके ज़रिए हम दुनिया तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं कि इस मसले को सुलझना चाहिए और वहाँ जो कत्ल वारत हो रही है वहाँ जो ख़ून गिराया जा रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए अगर ये ना हुआ तो आप याद रखें फिर आप दुनिया के अंदर अमन नहीं देख पाएंगे आ, वो मसायल उठेंगे जिन मसायल से हमें भुगतना पड़ा हमने टेरोरिज्म के अंदर बहुत मार खाई है मतलब कि हमने सत्तर हजार लाशें उठाई अभी इस मार्केट में खुद का हमला होता था फिर उस मार्केट में होता था उस फिर उस मार्केट में होता था फिर इस मार्केट में बात यह है कि अविल और इसबाब खुद पैदा करते हैं और बाद फिर बाद में कहते हैं जी आतंकवादी आ गए हैं फलाने आ गए हैं डमकाने आ गए हैं ये आ गए हैं वो आ भाई आप तो खुद ये कर रहे हैं और एक लावा पका रहे हैं आज कोई दुनिया का आदमी नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई और भी इंसान अगर उसको पता चलता है कि ये जुल्म हो रहा है हाँ तो वो उसके साथ नहीं वो होगा। मैं, तोर मैं, मैं हो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के उलमा को जो है कि देखें हम ये नहीं कहते कि भाई आप पाकिस्तान का साथ दें बेशक आपकी हमदर्दी आपके मुल्क के साथ होनी चाहिए इसमें जो है कोई वो नहीं है अगर जंग हो रही है वो पॉलिटिकल नैरेटिव आप देख रहे हैं तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि भाई पाकिस्तान का साथ दें बेशक आपकी हमदर्दी आपकी खैर खाही हिंदुस्तान के साथ होनी चाहिए इंडिया के साथ होनी चाहिए हर मुल्क का अपना यही मंशूर है हर शहरी होने का तो लेकिन जो है अगर जो है आपके ही मुल्क के अंदर आपके ही मज़हब के बहुत बड़े तबके के साथ ज़्यादी हो रही हो तो कम से कम एटलीस्ट हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर तो उसकी आवाज़ उठाई जाए अगर आप आज जो है श्रीनगर से लेकर के जो है पटन कफाड़ा हंदवाड़ा जो है आ, और जो है आपका दर्तपुरा इन इलाक़ों में जो है जो हालात हैं उसके बारे में अगर तस्करा करते हैं तो ये नहीं कि आप मतलब पाकिस्तान की खैर खाई करें नहीं आप जो है आ, उन्हीं मुसलमानों की खैर खाई कर रहे हैं जिनके खिलाफ जो है एक तबका खड़ा होकर के जुल्म कर रहा है <coughs> तो पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें ह्यूमैनिटी को सामने रखें इंसानियत को सामने रखें यह ज़रूरी नहीं है कि भाई जो है आ, हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान का साथ दे या पाकिस्तानी हिंदुस्तान का साथ दे उसको छोड़ें आप जुल्म अगर कहीं भी हो रहा है अगर पाकिस्तान के अंदर कोई जुल्म हो रहा है तो क्या पाकिस्तान के उलमा उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे उठाते हैं और उठाएंगे इसी तरीके से हिंदुस्तान में अगर कोई जुल्म हो रहा है कोई अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना अगर चले मैं ये कहता हूँ अगर जो है आपका उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाना उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ न उठाना आपकी कोई मजबूरी है हुँ हुँ तो कम अज़ कम फिर सुकूत इख्तियार करें बिल्कुल कम अज कम खामोश रहें उन कश्मीरी आ, माओ बहनों बूढ़ों और बच्चों के ज़ख्मों पर और मिर्चें न छिड़कें इस तरीके के जो है बयान और इकदाम के जरिए से ये, ये बहुत अफसोस की बात है असल में जुल्म के ख़िलाफ़ हर जगह आवाज़ उठनी चाहिए म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए को, कोई किसी भी मुल्क में हो वो वह के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाए अगर पाकिस्तान में हजरत हिंदू बिरादरी के कुछ अफराद पर अगर कहीं कोई जाती होती मैं समझता हूँ तो कि क्या, क्या वो क्या करते हैं आम अलामा ये अगर वो हिंदू बिरादरी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इकदाम होता है तो हम उठ के उसके बारे में उनके साथ खड़े होते हैं बिल्कुल क्योंकि बहसीियत इंसान जो हम आदम के नाते तो हम सब मतलब भाई हैं तो बयासीत इंसान जो किसी के साथ अगर ज़्यादाती होती है और वो उस मुल्क फिर आप की आपको पता है आप ने फ़रमाया कि अगर इस्लामी स्टेट है और रियासत है और वहाँ पर अकलीतें बस्ती हैं तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वह उनका तहफुज करें ठीक है तो उल्मा जो हैं फिर हमें हमेशा हमने पाकिस्तान में कभी अगर कोई बात आ, किसी के साथ अगर गलत हुई है तो हमने उसके बारे में आवाज़ को बुलंद किया है बिल्कुल समझ गए तो मैं ये समझता हूँ कि आज वहाँ भी अकलीत के अंदर मुसलमान हैं इसी तरह मसीही कम्योटी भी है इसी तरह मुख्तफ जो ममालिक मजाहब से ताल्लुक़ रहने वाले वो सिख लोग भी हैं तो आप क्या आप सिर्फ यही समझते हैं कि बस हिंदू है और हिंदू की हमें वो करनी है नहीं आपके मुल्क में अगर वह हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको सेव रखें अगर आप सेव नहीं रखेंगे अगर आप ये ज़्यादियाँ करते रहेंगे तो फिर एक तशद उठेगा और वो जो तशद है वो जो लावा है उसको फिर पाकिस्तान की तरफ ना कीजिए पाकिस्तान की बात ना करें वो बांग्लादेश की बात ना करें या दूसरे किसी इस्लामी मुल्क की बात ना करें वो आपने खुद पैदा किया है अब आप जब पैदा करते हैं फिर आप इसको भुगतें तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें खैर नहीं है खैर इसी में है कि आपके मुल्क में जो भी रहता है उसकी जिम्मेदारी लें हिफाजत की और अगर आप आग ये ज़्यादती करते रहेंगे तो अब्दुल अब्दुलमत साहब फिर ज़्यादती का बदला तो ज्यादती होती है हाँ, वो जो 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 बेटा अपने पूरे ख़ानदान को ज़िबा होते हुए देखेगा मुझे ये बताएं कि वो क्या फूल देगा मोदी को उसके दिल में इतार भी पैदा या वो आपकी जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उसके अंदर आ, वो जा के कु फूल देंगे नहीं फिर उसके अंदर इंतकाम की एक हवा आएगी और वो उस इंतकाम से बचें आज दुनिया आ, के पास आप मुझे बताएं क्या अब लड़ाइयाँ सिर्फ़ अब गोलियों पे होंगी क्या आप लड़ाइयाँ एक दूसरे और वो जो होता था किसी वक्त नहीं अब तो आपको पता है सब एटमी कुतें हैं और अल्लाह ना करे कि अगर कोई ऐसी बात हुई और इस तरह का मसला आ गया तो नुकसान कहाँ तक जाएगा हाँ। तो हमें चाहिए कि हम इसमें एक अच्छा रोल अदा करें हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज की ये बात जो है वो जानी चाहिए आज भी इमाम साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि वहाँ के जो हैं यहाँ के हों यहाँ के हों हम समझते हैं कि जुल्म के, के ख़िलाफ़ चाहे वो किसी के भी ऊपर हो हमें उस पर बात करनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ होना चाहिए और यह बंद होना चाहिए अगर ये जुल्म बंद ना हुआ तो नुकसान जो हैं इसके फिर सबको भुगतने हज़रत वो हजूर अलैहि वसल्लम का एक पैगाम ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए है हिंदुस्तान के जिम्मेदार हजरात के लिए हुकूत के मेदार अफराद के लिए भी है और सब के लिए है कि आप सल्हु वसम नेबत अल्लाह को सामने रखते हुए एक मरतब इरशाद फरमाया था कि काबा तेरी हरमत इतनी ज़्यादा है तेरा ये मकाम है तेरी तेरा मरतबा इतना ज़्यादा है तेरी अज़मतों को सलाम ये सब कुछ कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर काबे से ख़ता करते हुए इरशाद फरमाया लेकिन एक मुसलमान की जान की कदर कीमत और, और एक मुसलमान की नामोस एक इंसान कीज से भी ज़्यादा है तुझसे भी ज़्यादा है तो आज जो है किसी भी जगह को अल्लाह अगर कोई मस्जिद ढहा दी जाती है तो सारे मुसलमान मुश्तिल होते हैं सारे इंसान मुश्तल होते हैं लेकिन आ, सारे लोग मुश्तल होते हैं और बजा तौर तो पर यहताल होता है लेकिन एक इंसान को कोई अदना तकलीफ़ पहुँचाना ये काबतुल्ला को ज़मी बोस कर देने डहा देने और शहीद कर देने से भी ज़्यादा ख़तरनाक गुना है और इससे भी बड़ा जुर्म है इससे बड़ा कोई जुर्म रुए जमीन पर हो नहीं सकता कि किसी के ऊपर अदना सा जुल्म किया जाए किसी को अदनासी तकलीफ पहुंचाई जाए आज इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि लोगों के हालात की इतला नहीं है नब्बे लाख लोगों की आबादी खाना है। पीना कहाँ है कुछ पता भी नहीं है पानी नहीं है खाना नहीं है आप मुझे बताएं ये जब ये जब हुआ है वहां कर्फ्यू और ये सारी चीजें मासूस किया गया क्या आपने बताया था कि हम कर्फ्यू लगा रहे हैं क्या आपने बताया था कि पचास दिन का राशन आप रख लें कुछ नहीं आज लोग अंदर चाहे कितने हजारों में मर चुके होंगे जब आपके पास है ही नहीं बच्चे तड़प रहे होंगे उनके पास दूध नहीं जा रही है दुकानें भी बंद है, चीजों हैं भी की बात है, बात नहीं है। ये कहाँ का आलमी अमन का दावेदार जाकर यूएनओ के अंदर बात करता है और कहता है कि जी और इतनी दुनिया को इकट्ठा किया है और वो वाह वाह कर रहे हैं वाह वाह कर भाई इंसानियत जल रही है तुम्हारे मुल्क के अंदर और तुम वहाँ पर जो है वाह कर रहे हो याद रखो अल्लाह से डरो और जिस वक़्त रब आ गया अभी आप देखे मीरपुर के अंदर ऐसे गड़े पड़े हैं वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर है और ये ये सारी पट्टी है ये जितनी भी पट्टी है सारी कि उसके अंदर गाड़ियाँ धस गई हैं पाकिस्तान का भी एक इलाका ए, 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 कुछ इलाके जो हैं वो मुतासर हुए तो हैं ये कहाँ तक जाता है ये एरिया जो है ये उनके साथ भी लगता है तो अल्लाह ताला से डरे हम तो अभी तो बहुत अहम पैगाम दिया और अल्ला अल्ला और अल्लाह करे कि ये पूरी इंसानियत के घरों हम में उनके लिए भी हैं जी जल इमाम वक्त को पहुंच रहा है बिल्कुल एक दो मिनट में इमाम साहब भी एक आखिरी मैसेज दे दें हमने आलम के बारे में भी बात हुई मज़ाहिब के बारे में मसालिक के बारे में कश्मीर के बारे में अहम सुलगते हुए मसाइल के हवाले से माशा बड़ी अच्छी गुफ्त शुनीद रही अहम पैगाम माशाला दिया गया इमाम साहब का आखिरी पैगाम हम सुनेंगे पहले उसके बाद हज़रत अब्दुल अब्दुल्कबीर आज़ाद साहब का इन जी मैं दो बातें कहना चाहूँगा एक तो ये कि जो है आज जो जलजला आया है पाकिस्तान में तो उसमें जो है दर्जनों जाने जा चुकी हैं अल्लाह सुहा उनकी मौफ़ फरमाए और कई सौ जो है आखिरी जो इतला थी वो तीन सौ लोगों की तीन सौ जख्मी हैं और पचास के करीब जाने जा चुकी हैं तो अभी मतलब ये ये है और इतलात आ रही, रही हैं अभी क्योंकि बहुत से जो है दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के जो बाशिंदे हैं जो है जिनकी इतलात अभी तक नहीं पहुँची तो बहरहाल अल्लाह व तआला उनके साथ रहम और करम का मामला फरमाए अल खैर की तरफ से हम लोग इंशाल्लाह स्टैंड बाय पर हैं जो कुछ हम कर सकेंगे इंशाल्लाह अपने मीन और कैपेसिटी के हिसाब से ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह तो इस पर हम इजहार अफ़सोस करते हैं इस हादसे के ऊपर और हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं और मैं चाहूँगा कि खसूस तौर पर उन मुतान के लिए और कश्मीर के मुसलमानों के लिए आज इन श्ला दुआ की जाए दूसरा ये कि जो है इतिहाद बैनमाहब केनवान से पुरान करीम की एक आयत है कुलिया अहल किताबी त आलऊ अला कलिमतन सवा इम बैन नाबेनकुम अल्ला वलाानुश्री कभी वलाय तखीज़ा बादूनाबादन अरबाबा मंदूरल्ला अब क़ुरान ने एक मतलब इन आयत पेश करके डायलाग का दरवाज़ा खोल, खोल दिया डायलाग का दरवाज़ा खोल दिया जहाँ कुरान की बहुत सख्त आयतें हैं वहीं पर ये आयत भी है कि आप अहले किताब से कहें कि आओ आकर के हम इकट्ठे हो के जो बातें हमारे दरमियान में कॉमन हैं उसके ऊपर तो हम जो है डिस्कशन शुरू कर तो जब जो है अहले किताब के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू इस आयत के ज़िमन में हुआ तो यकीनन जो है फिर दिगर मजाहिब के साथ भी जो है वो सिलसिला शुरू हो सकता है होना चाहिए जी मिन तसबुल्दोन उन लोगों को के महबूदों को गाली ना दो जिनको जो है ये लोग अल्लाह के अलावा किसी और महबूद को पुकारते हैं चाहे वो बुत हो चाहे वो जो है शख्सियात हो चाहे वो जो है कोई जानवर हो या कोई पत्थर हो या शजर हो या है कि जो है इस दुनिया से बाहर की कोई चीज़ हो अगर अल्लाह के अलावा किसी चीज़ को पूछते हैं तो उनकी इबादत न कर उनको ऐसे लोगों को ऐसे मबूदों को भी गाली न दो इसलिए कि वो फिर आपके हकीकी मबूद को गाली देंगे तो बहरहाल जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है अल्लाह साल हमारी काविशों को कबूल हज़रत करेंगे मैं में में ये समझता हूँ कि आज हमने दो तीन टॉपिक्स को जो है मुकम्मल किया है इल्म के इस प्रोग्राम में और आज मेरा ख़्याल है कि अख्ताम पर भी उसी को अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा एक तो हमने बैनलम आहंगी के हवाले से जैसे बड़ा अच्छी बात है। और मैं पूरी दुनिया में शायद को पढ़ता हूँ और फिर यह है कि दीन लकम दीनक दीन अपने अपने दीन में रहते हुए हम इस बात को बढ़ाएँ तो इस काम को हमें आगे ले कर चलना चाहिए और हारमनी की इस फ़ा को जो है हमें कायम करना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि इन शज़ीज़ इस काम के करने से इंसानियत को हम एक जगह ला सकेंगे और एक जगह बिठा सकेंगे और इससे बड़ा कोई खैर का काम मैं समझ तो नहीं हो सकता दूसरा यह है कि जो पैगाम कश्मीर के हवाले से यहाँ पर दिया गया इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए जो कुछ हो रहा है वो कम है और तीसरा हम आज के जो कश्मीर के अंदर जो जलजला आया है और उस जलजले में बहुत से लोग शहीद हो गए और बहुत से लोग इस वक्त जख्मी हैं और उसकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है और मकानात भी गिरे हैं और सड़कें भी तबाह हुई हैं और गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं उनके लिए भी हम सब जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह त आ, उन शहीदों की मफफ़रत और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उन्हें शफाय कामिला आजिला मुतमर दायमा नसीब फ़रमाए दुआ कर लें जी बिल्कुल अल्ला मसलिलहमदमदिन का मा सलाब्राहिम वाल आल इब्राहिम इन् का हमीदीद अल्लाम मबारक आला मुहमदिन महमदिन क़मा कमाबारक तला इब्राहिम वला इब्राहिम का हमीदुल मजीद अलमांत सलाम व सलाम तबारक रब्बना व तयाजल जलाक्रमाम एल्ला आज इल्म मिकमत के इस इकरा टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में जो मैंने और इमाम कासिम साहब ने और मौलान साहब ने गुफ्तु का सिलसिला जारी रखा और उसमें बड़ी अजीम कुत वो की गई इसे तो अपनी बारगाह में कबूल व मंसूम एल्ला दुनिया में आमन अता फ़रमा एल्ला इस वक्त जो आग लगी हुई है दुनिया भर में इसे ख़त्म फरमा अल्लाह जो कश्मीर के ऊपर जुल्म और और जबर और कहर के पहाड़ गिराए जा रहे हैं रब करीम तो उनकी मदद फरमा अल्लाह उनकी गैबी नुसरत फरमा एल्ला इस मसले को हल फरमा और ये जो इंतहा पसंद सोच है ये इस वक्त इसको ख़त्म फरमा दे इसे ख़त्म फरमा दे एल्ला जहाँ जहाँ से ये आवाज़ उठ रही है या आवाज़ को कश्मीरियों की आज़ादी का ज़रिया बना दें दे। हमारे कश्मीरी भाइयों की आज़ादी का ज़रिया बना दे एल्ला हमारी इन दुआओं को कबूल फ़रमा या आज जो जलजला आया एल्ला जो जलजिला आया और आज पाकिस्तान का जो इलाक़ा कश्मीर का लगता है वहाँ भी और दूसरी जगहों पर भी और सैकड़ों लोग शहीद हो गए एल्ला इसी तरह ज़ख्मी हो गए या अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा एल्ला इसी तरह जो ज़ख्मी हुए उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमर मुतमर नसीब नसीफ़ फरमा ए रब करीम आज जितने भी लोग हमारे साथ इकरा टेलीविज़न के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्होंने हमारे साथ हाथों को उठाया है एल की झोलियों को भर दे अल्ला सब की परेशानियों को दूर फरमा दे सबकी मुश्किलात को आसान फरमा दे एला अपने कर्मों की बारिश फरमा दे अपनी रहमत की बारिश फरमा दे हर एक पर एला आज जनाब इमाम कासिम साहब हमारे भाई जो दुनिया भर में खैरात का काम और ख़ैर का काम लेकर चले हैं अल खैर के नाम से या इनके हफ़ाजत फरमा इनकीमर में सेहत में बरकत अता फरमा और इनके इस पूरे काम को इनकी पूरी टीम को शुवाब यूसुफ साहब को और तमाम उनकी इनकी टीम को या अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें मौना मुंतकीम साहब की खदमात को भी कबूल फरमा ले रब करीम हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे हमारी आख़रत भी अच्छी बना दे याकर के तमाम टेलीविज़न की टीम को जो कि दीनी प्रोग्राम ये एक दीनी टेलीविज़न है जो आवाम के और इकरा के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है एल से कबूल फरमा इसकी टीम को भी कबूल फरमा ए रब करीम हमारे इंदुआओं को कबूल मकबूल फरमा रबना आतीना दुनिया हसनतों वफ़ी आरत हसन तक़ना आज़ाब नार एला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा एल्ला शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा एल्लाराक़ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा एल्ला आज हमें नहीं पता चल रहा लीबिया में भी जंग हो रही है वहाँ के भी मुसलमानों की हिफाजत फरमा एल्ला इसी तरह सऊदी अरब के ऊपर जो तनसीबात पर मजाइल मारे गए और आज जो वहाँ पर पेट्रोल को बंद करने की कोशिश की गई या अर्दल हरमैन शरीफैन और हरम तहफ हरमैन शरीफैन की हफाजत फरमा एल् हरमैन शरीफैन की हफ़ाजत फरमा ए अर्दल एला अर्द हरमैन शरीफैन की हफाजत फरमा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले मकबूल फरमा ले हम सब को हज बैतल् की शहादत और ज्यारत रम की बार बार हाज़िरी की तोफ़ीकता फ़रमा एला जितने भी अलखर के साथ ताउन करने वाले हैं या जितने भी खैर के साथ चलने वाले हैं अरब करीम जिन जिन्होंने अपने सदक़ात दिए ज़कवात दी, दी खैरात दी इन सब की खिदम को कबूल फरमा इन सब की खिदम को कबूल फरमा और जितनी मसाजद बनी हैं या इनको भी कबूल फ़रमा ले रबा ना तो कब्बल मन्ना इन का अंत और ज़्यादा से ज़्यादा खैर के काम में ख़ैर डाल दे और आज जो हमने बैनल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से और एक प्लेटफार्म के हवाले से और एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बात की है अल्लाह इसको ओ, इसको कामयाबी में बदल दें इसको कामयाबी में बदल दें और इस पर हमारी मदद फ़रमा रबना था कब्बल मन्ना इन्ना का अंत अन तस्मील अल्लाह हमारे आ, हमारे कासिम साहब के आ खाना जो कि वो भी हर वक़्त इसी काम में लगे रहते हैं उन्हें भी कबूल फरमा और इनके जो वालद अल्लाह या याद मौलाना इजहार कासमी साहब मदज़िल्ला हुई अल्ला उन्हें शिफा दे दे उन्हें आफियत अता फ़रमा दे उन पर अपना करम फरमा दे ए उनको सहज या फरमा दे एल्ला हमारे हिंदुआओं को कबूल फरमा दे जितने मोमिन मोमिनत मुस्लिमीन मुस्लिमात दुनिया से रखसत हो गए उन तमाम की मकफद फरमा उन तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा और एल्ला हमारी इन दुआओं को कबूल फ़रमा मेरे सफ़र को कबूल फ़रमा रब्बात कब्बल मिन्ना yes. इन्न का तस्मीआलिम या अल्लाह हम सब को हज अल्लाह की शादत और ज्यारत सल्लम की बार बार हाज़री की अता फरमा yes. या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा और जो दुआ के लिए नहीं कह सके सबकी दुआओं को कबूल फरमा no. कबूल फरमा वसल्ला तैरखल ही मुहमद इमली साब इजमाइन برحمتك يا أرحم الراحمين آمين